स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। खबर राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले रुक कर रहे हैं अजमेर का, जहां पर अजमेर में देर रात को एक बड़ा रेल हादसा हुआ। अजमेर रेलवे स्टेशन से रात 12:50 पर रवाना हुई ट्रेन संख्या 12548 साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट जो है वो ट्रेन मदार स्टेशन से पहले उसी ट्रैक पर चल रही मालगाड़ी से टकरा गई और इंजन और 4 डिब्बे जो है बेपटरी हो गए। बेपटरी यहां पर होने की वजह से आसपास के खंभों से ट्रेन के ये डिब्बे टकराए। हादसा इतना भीषण हुआ कि ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए, लेकिन गरिमत ये रही कि हादसे में कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ। मदार रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन हादसा ये मामला बताया जा रहा है और मौके पर अजमेर रेल मंडल प्रबंधक राजीव धनगढ़ जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे की जांच फिलहाल की जा रही है। साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी एक ट्रैक पर नहीं थी। हादसे के पीछे तकनीकी खामी भी यहां पर बताई जा रही है, बल्कि तकनीकी खामी के अलावा यहां पर मानवीय गलती बताई जा रही है। फिलहाल ट्रैक को दुरुस्त करके रेलवे यातायात जो है वो सुचारू करना प्राथमिकता है और अजमेर के मदार में ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, तो गाड़ी ये जो है साबरमती आगरा ट्रेन में यह हादसा घटित हुआ और हादसे की 4 तस्वीरें जो है वो सामने आई है। पटरी से किस तरीके से ट्रेन जो है वो यहां पर उतरती हुई और फिर उसके बाद दोनों ट्रेन जो है वो आपस में बताया जा रहा है टकरा गए थे। यात्रियों में भगदड़ मची, हालांकि गरिमत ये रही है कि यात्री चोटिल नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो बेपटरी हुई है पहले उनको ठीक करने की प्राथमिकता है। और हमारे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस हादसे को लेकर, सीधा उनका रुख करेंगे। अभिजीत, देर रात यह हादसा घटित हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें इसके सामने आई है, क्योंकि 4 डिब्बे बताया जा रहा है इंजन के साथ कोच जो है बेपटरी हुई है, क्या दुरुस्त कर पाए हैं अभी तक जो डिब्बे यहाँ पर पलटे थे, बेपटरी हुए थे, क्या उन्हें ठीक कर पाए हैं? देखिए, अभी आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, अभी भी जो ट्रैक 1 है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है उसको पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं किया गया, लेकिन उसके पास में एक और माफ कीजिएगा ट्रैक है जी, उसको सुचारू कर लिया गया और उस ट्रैक पर कुछ ही देर में जो है ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी। अब सिक्योरिटी जो है आरपीएफ की, उनका अनाउंसमेंट यहाँ पर चल रहा है कि रेलवे ट्रैक से दूर रहे, क्योंकि ट्रैक नंबर 2 जो है, जो उसके बिल्कुल एडजेसेंट ट्रैक है, उसको यहाँ पर दुरुस्त कर लिया गया है, उस पर अब ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। ट्रैक नंबर 3 जो है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 ही प्रभावित हुए थे। ट्रैक 1 को ठीक होने में अभी भी शाम तक का वक्त लग सकता है। खुद जो उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक हैं अमिताभ, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डीआरएम राजीव धनगर खुद हादसे के बाद से ही यहाँ पर मौजूद थे और कोच जो है, देखिए जो अभी तक की जानकारी निकल के सामने आई है कि एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ी होना नहीं सामने आया है। ये बेसिकली डाइवर्जन ऑफ ट्रैक जब होता है, जिसे हम आम भाषा में कैंची कहते हैं, उस डाइवर्जन ऑफ ट्रैक से जो है उस पर जो है ट्रेन को मुड़ना था साबरमती एक्सप्रेस को, लेकिन वो नहीं मुड़ पाई थी। तो जो डीआरएम राजीव धनखड़ का शुरुआती बयान आया है उसमें यही है कि ये कोई टेक्निकल एरर नहीं हुआ है, इसमें तकनीकी खामी नहीं आई है, कोई ह्यूमन एरर रहा है, चाहे वो सिग्नल को अप डाउन करने का मामला रहा हो या फिर जो ट्रैक डाइवर्जन पर, जो आपको नए ट्रैक पर पहुंचना था उस ट्रैक डाइवर्जन पर ये ट्रेन नहीं पहुंच पाई थी और आमने सामने की भिड़ंत होने से बची है, लेकिन खरोंचे लगी है। मैं एक बार कैमरामैन को बोलूंगा, वो जूम करके दिखाएंगे इस कोच पर। आप ये जो खरोंच के निशान देख रहे हैं, रगड़ के निशान जिसे हम बोलते हैं, वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि आमने सामने की भिड़ंत नहीं है, लेकिन आमने सामने क्रॉस होते समय जो है अड़ी है गाड़ियां, इस कारण से ये एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है। अच्छी खबर सिर्फ इतनी है इस पूरे बड़े हादसे में कि किसी तरह की कोई जनहानि इस पूरे हादसे में नहीं हुई है। ट्रैक नंबर 2 जो है वो अब देखिए बिल्कुल सुचारू है और अब धीरे धीरे उस पर ट्रेन जो है आपको आती हुई दिखाई देगी। तो ये जो कल हादसे के बाद से ही देर रात से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इसमें सुबह 9:00 ये बड़ी तस्वीरें देखिए, हमारे सहयोगी अभिजीत जो है वो लगातार दिखा रहे हैं। ट्रैक नंबर 2 जो है वो सुचारू कर दिया गया है और वहां से ये ट्रेन गुजरती हुई आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, लेकिन जो पहली ट्रैक है जिस पर ट्रेन डिरेल हुई, कुछ डिब्बे डिरेल हुए हैं, उसको फिलहाल यहाँ पर ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरा ट्रैक जो है वो सुचारू हो चुका है, वहां पर रेलवे का आवागमन जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम लाइव लगातार दिखा रहे हैं।
अभिजीत, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका कहना ये है प्रशासन का कि कोई भी तकनीकी खामी इसमें नजर नहीं आ रही है, मानवीय भूल कहीं ना कहीं हुई है, चूक हुई है या फिर लापरवाही कही जाए। अब ऐसे में इसकी जांच जो है वो किस तरीके से होगी, जांच को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसके लिए अलग से एक जांच कमेटी यहाँ पे बनी हुई है, खुद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जीएम जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, तो आप हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगा सकती हैं कि किस बड़ा हादसा ये हुआ है। और चूंकि ये बड़ा ट्रैक है, इस वक्त जो ट्रैक नंबर 2 से ट्रेन पास हो रही है ये बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन है और ये आगे तक इसका रूट चलता है, तो किसी तरह का कोई और फर्दर डैमेज नहीं है उसके लिए। ह्यूमन एरर क्या रहा है, जो लोको पायलट रहे हैं उस साबरमती एक्सप्रेस से उनसे यहाँ पर उनसे बातचीत की जाएगी, उस घटना के वक्त का क्या सिनेरियो रहा था, किस क्या डायलॉग्स उस समय हुए थे, क्या इंस्ट्रक्शंस जो एक रेलवे ट्रैफिक संचालन के प्रोटोकॉल्स हैं, जो एसओपीज बनी हुई है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस की, उसको लेकर बातचीत हो रही है। क्या सिग्नल लेने में या सिग्नल को फॉलो करने में कोई एरर तो नहीं हुआ है, या फिर जो सिग्नल डाउन अप होते हैं उसको समझने में या उसको देख पाने में कोई गलती हुई है, या वहां से सिग्नल आने में लेने में देरी हुई है, क्योंकि ये ट्रैक डाइवर्जन में लैप्स हुआ है। एक ट्रैक था आगे जाके वो डाइवर्ट होकर दूसरे ट्रैक में कन्वर्ट होना था और दोनों ही ट्रेनों को उस ट्रैक पर चलते हुए एक दूसरे से अलग होना था, ये ही यहाँ पर ही एरर हुआ है। तो ये दो तरीके का एरर है। इसमें ह्यूमन एरर तो साफ तौर पर नजर आता है कि आप ट्रेन आमने सामने होने से बाल बाल बची, अगर थोड़ा सा और मामला गंभीर बन जाता तो आमने सामने की भिड़ंत इसमें मुमकिन थी। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले विजुअल दिखाया था उस कोच का, जो मालगाड़ी के उस कोच से रगड़ता हुआ आगे निकला, उसके बाद में वो ट्रेन जो है थोड़ी दूर जाके डीरोल हो गई। देखिए इसमें एक और बड़ी बात यह है कि हादसा जो है और ज्यादा गंभीर हो सकता था। कैमरा पर्सन दिखाएंगे इंजन की तरफ एक बार, इंजन के पास में देखिए मकान बने हुए हैं, अगर थोड़ा सा और गंभीर हादसा होता तो ये मकानों तक भी जो है पलटते हुए बोगियां जो है वहां पर पहुंच सकती थी, तो ये एक गंभीर हादसा जो है यहाँ होने से टला है। अब तमाम जो मैकेनिज्म है रेलवे के वो यहाँ पर अपने अपने एंड पर अपने अपने उस पर जो है यहाँ पर जो इसका रेस्क्यू ऑपरेशन है और उसको वापस से ट्रैक को सही करने का काम है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। और इस मीनवाइल जो ट्रैक नंबर 1 है जो इस बोगी के बिल्कुल पास में आपको नजर आएगा, इस ट्रैक नंबर 1 को वापस से फ्लैट ऑन करने के लिए, इस पर ट्रैफिक ऑन करने के लिए वक्त जो है वो काफी लंबा लगेगा, करीब करीब शाम तक का वक्त यहाँ पे हो सकता है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको जो है नॉर्मलाइज